पटना में सोमवार का दिन राजनीतिक नजरिए से बेहद खास रहा। बीती रात पूर्व सांसद व बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन की इकलौती बेटी सुरभि आनंद की रिंग सेरेमनी आयोजित की गई। आनंद मोहन को इसी कार्यक्रम के लिए 15 दिन के पैरोल पर रिहा किया गया है। इस सेरेमनी की चर्चा बिहार के पूरे राजनीतिक गलियारे में हो रही है। वजह यह है कि इस सेरेमनी में बिहार के सीएम नीतीश के साथ मंत्रिमंडल के कई मंत्री शामिल हुए हैं। इसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा और मंत्री सुमित सिंह सहित कई बड़े नेता पहुंचे। लेकिन इन सबके बीच एक खास चेहरा भी इस रिंग सेरेमनी में मौजूद था। वह चेहरा था जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का। पप्पू यादव न सिर्फ इस रिंग सेरेमनी में शामिल हुए बल्कि आनंद मोहन के साथ काफी समय भी गुजारा, नए जोड़े को शुभकामनाएं दी, पूरे परिवार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। एक पल ऐसा भी नजर आया जब दो पुराने दुश्मन एक साथ गले मिलते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि 90 के दशक में दोनों की दुश्मनी भी इस सेरेमनी के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोनों के बीच ऐसा लग रहा था कि कभी कोई दुश्मनी थी ही नहीं। इस मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने लिखा कि पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन जी की इकलौती सुपुत्री सुरभि आनंद जी की रिंग शिरोमणि में शामिल हुए, इस पावन अवसर पर बिटिया को आशीष दिया और इसके सफल वैवाहिक जीवन की कामना भी की। मौके पर लंबे अरसे बाद श्री आनंद मोहन जी से मुलाकात का अवसर भी प्राप्त हुआ। आनंद मोहन की बेटी के रिंग सेरेमनी में पप्पू यादव का आना बेहद खास मौका बन गया। बिहार में 90 के दशक में इन दोनों नेताओं की दुश्मनी चरम पर थी। कई लोगों में आज भी आनंद मोहन और पप्पू यादव की दुश्मनी की यादें ताजा हैं। न जाने कितने हजार गोलियां दोनों नेताओं के आपसी दुश्मनी में चली थी। दोनों नेता एक दूसरे को मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। यह दुश्मनी कई सालों तक चलती रही, लेकिन बदले वक्त के साथ जिस तरह से पप्पू यादव ने अपनी छवि बदली, बीती रात उन्होंने बता दिया कि वह पुरानी दुश्मनी खत्म करने के लिए तैयार हैं। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।